जय हिंद कैडेट, मैं सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम एनसीसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस एंड इमोशन, यानी कि उसको हम कहेंगे तनाव और भावनाएं। तो आज हम तनाव और भावनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भावना की परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले भावनाएं क्या है? तो अनुभव और स्मृति से मन में उत्पन्न होने वाले भाव, जिसे हम भावना कहते हैं। जैसे कि कोई अगर हमें चीज़ मिल जाती है जो हम चाहते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, तो वह एक भावना का प्रकार है। जैसे हमें कोई बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, तो यह सब है हमारे अंदर की भावनाएं। अब हम सबसे पहले तनाव के बारे में बात करेंगे। तनाव क्या है? तो कोई भी चीज़ अगर हमें करने के लिए है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, या तो वो हमारे लिए मुश्किल होती है, तो उसे हम तनाव कहेंगे। तो हम सबसे पहले तनाव की परिभाषा देखेंगे। तो तनाव की परिभाषा में क्या है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति के असंतुलन को तनाव कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुकूल अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और वह अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर लगता है, इस प्रकार की स्थिति को हम तनाव या तो स्ट्रेस कहते हैं। तनाव के दौरान हम निम्नलिखित भावनाओं, विचारों, व्यवहारों का मानसिक और शारीरिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। यानी कि जब हम तनाव में होते हैं तो ये तनाव और भावनाएं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हम तनाव में होते हैं तब कौन कौन से भावनाएं, विचार, व्यवहार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानसिक रूप से देखेंगे कि मानसिक रूप से जब हम स्ट्रेस होते हैं या तो तनाव में होते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीलिंग्स। फीलिंग्स के अंदर जैसे हमारी फीलिंग्स है तो चिड़चिड़ापन, शर्मिंदगी, कोई भी बात को लेकर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, तो वो भी एक तनाव के अंदर एक भावना का प्रकार है। फिर चिंता और डर, ये सब क्या है? भावनाओं के प्रकार है। और विचार, विचार के अंदर भूलने की बीमारी, निर्णय लेने में कठिनाई और आत्मा आलोचना। आत्मा आलोचना यानी कि हम जो सोचते हैं अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर हम सोच के जो मनन करते हैं मन के अंदर, उसको हम कहेंगे आत्मा आलोचना। फिर व्यवहार के अंदर क्या है? तो व्यवहार के अंदर हकलाना, यानी जब हम तनाव में होते तो क्या क्या परिस्थिति आती है व्यवहार के अंदर? हकलाना, रोना, किसी से बात करने में मन न लगना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, जब हम स्ट्रेस में होते तो आज मेरा मूड नहीं, ऐसा हम बोलते हैं, तो किसी से बात करने में मन न लगना। घबराहट, मित्रों और परिवारों पर चिल्लाना, गुस्सा करना, दांत पीसना। जब हमें गुस्सा आता है तो हम हमारे एक एक्सप्रेशन दांत पीसना भी होता है। धूम्रपान, शराब या नशीली दवाओं का उपयोग, भूख न लगना, यह सब क्या है? व्यवहारिक बातें। अभी शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं? जब हम तनाव में होते तो कौन कौन सी भावनाएं होती है जो शारीरिक रूप से हमारे अंदर आती है? तंग मांसपेशियां, पसीने से तर हाथ। जब हम तनाव में होते या तो टेंशन में होते तब हमारे हाथ पसीने पसीने हो जाते हैं। सिर दर्द, पीठ या गर्दन की समस्या, नींद की गड़बड़ी, पेट में
दर्द, अधिक सर्दी और संक्रमण, थकान, तेज़ी से सांस लेना या तो तेज़ दिल यानी कि हमारी जब कोई ऐसी बातें होती है जब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होती है, कांपना, हाथ पैर में ध्रुजन होना या तो कंपन आना, शुष्क मुँह यानी गला सूख जाना। उसके बाद तनाव के कारण, तनाव के क्या क्या कारण होते हैं जिससे हम डिप्रेशन में या तो तनाव में आ जाते हैं, तो सबसे पहले आंतरिक कारण है, यानी कि कोई ऐसी बात जो हमें मन में खटकती है उसको हम कहेंगे आंतरिक कारण। जीवन की घटनाएं, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। शारीरिक घटनाएं यानी कि हमारे साथ कई ऐसी भी घटना होती है, जैसे शारीरिक घटनाएं जैसे हम गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भी एक तनाव का कारण बनता है। जीवन शैली का कारण, जीवन शैली का यानी कि जो हम रोजिंदा जीवन में हमारे साथ कुछ ना कुछ घटता रहता है तो उसको हम कहेंगे जीवन शैली के कारण। काम संबंधी तनाव कैसे होता है, जैसे कोई काम कर रहा है या तो कोई पढ़ रहा है और घर में कोई काम संबंधी तनाव होते हैं तो उसको हम कहेंगे काम संबंधी तनाव। तनाव प्रबंधन तकनीक, यानी कि हम जो हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या तो उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते, तो उसके लिए हम देखेंगे लंबी सांसें लेना। जिस काम से या बात से आपको तनाव महसूस हो उनसे दूर रहें, अपने मन में एक शांत जगह बनाए, यानी कि जब हम तनाव में होते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। शारीरिक आराम के लिए ध्यान दें, शारीरिक आराम यानी कि जब हमें कोई शारीरिक स्ट्रेस हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पर हमें शारीरिक यानी कि शरीर को आराम देना है। अपने शरीर की देखभाल करें यानी कि ऐसे काम से बचें जो हमें स्ट्रेस या तो तनाव देता है, तो अपने शरीर की देखभाल करें। अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न करें, यानी कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, जैसे किसी को स्पोर्ट्स का है इंटरेस्ट तो वह क्या कर सकता है, कोई गेम खेल सकता है, आउटडोर गेम खेल सकता है या तो कोई म्यूज़िक सुन सकता है, घर का कोई काम कर सकता है। अगर किसी को नेचर का शौक़ है तो वह बगीचे में काम कर सकता है या तो कहीं बगीचे में घूम सकता है। अपना समय नक्की करें, यानी कि जो काम के लिए जो टाइम नक्की करते हैं उसको हम उसी के टाइम पर करें, इसी प्रकार हम अपना समय नक्की कर सकते हैं। अपनी सीमाएं जानें, सीमाएं यानी कि हमारी हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे हम अपनी सीमाएं जानें। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों की तलाश करें, यानी कि अच्छी चीज़ों की तलाश करना यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढना या तो देखना या तो महसूस करना जिससे हमें हैप्पीनेस मिले। टॉक कम सुने अधिक, यानी कि कम बोलना और सुनना अधिक। जब हमें लगे कि यह बात से कोई तनाव उत्पन्न हो रहा है या तो तनाव उत्पन्न होगा, तब हम वह जो बात हो रही है उसमें हम रुक जाते हैं, यानी कि उसको बंद कर देते हैं और सुनते हैं, तो उसी टाइम पर हमें मौन रह जाना है। निष्कर्ष, यह सब जानने के बाद हम क्या निष्कर्ष करेंगे कि तनाव से हम कैसे दूर रहे या तो तनाव कैसे उत्पन्न ना हो और हमारी भावनाएं काबू में रहे, तो इसका निष्कर्ष यह है कि तनाव जीवन का तथ्य है जिसे हमें अपने पर्यावरण या जीवन शैली को बदल कर और कैसे आराम करना है यह सीख कर निपटाना यानी कि अच्छा करना होगा। यहाँ पर हमने तनाव और भावनाओं के बारे में समझा, जाना और सीखा, तो हम आगे अपनी NCC की नोट में यह क्वेश्चन लिख लेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन है, तनाव और भावनाओं की परिभाषा देखकर तनाव प्रबंधक के कोई 5 तरीके लिखे। धन्यवाद।